क्या बच्चे नमाज पढ़ने मस्जिद जा सकते हैं? अगर समझदार बच्चे हैं जो नमाज को समझते हैं, सफ़े खराब नहीं करते, इधर उधर भागते नहीं हैं, शोर शराबे नहीं करते, गंदगियाँ नहीं करते, ऐसे समझदार बच्चे मस्जिद जा सकते हैं, नमाज समझते हैं। बाकी ऐसा छोटा बच्चा कि जिसके बारे में यूँ ख्याल जम जाए कि तो पेशाब वगैरह कर देगा, इसको पता तो चलेगा नहीं, तो मस्जिद में उसको लाना हराम। जिसका जन्ने गालिब हो कि मस्जिद में पेशाब कर देगा तो उस मस्जिद में लाना हराम। और ऐसा बच्चा के जिसके बारे में ये है कि जन्ने गालिब नहीं है कि ये पेशाब कर देगा तो ला सकते हैं, लेकिन मकरूह तनजीही। तो मस्जिद में बच्चे मतलब कुछ ना कुछ कर देते हैं बाज़ औक़ात, और ऐसे बच्चे बड़े बच्चे जो समझदार हैं नमाज को समझते हैं उनको तो लाने में बल्कि लाना चाहिए उनको। लेकिन बाज़ औक़ात बड़े बच्चे भी है ना, ये आपस जब एक से ज्यादा होते हैं ना तो बातें करते हैं, लड़ते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दूसरे नमाजियों के लिए भी मसाइल का सबब बनते हैं, तो फिर ऐसों को भी मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। अकेला शरीफ बनकर रहता है तो फिर अकेला लाया जाए, जब जहाँ दुकेले हों दूसरा मिले तो फिर दोनों को डांट कर झाड़ कर नहीं, किसी भी हिकमत अमली से इनको या तो अलग अलग कर दिया जाए या फिर वो घर चले जाएं, इस तरह की कोई तरकीब कर लीजिए।